भिंड जिले के रौन क्षेत्र में सिंध नदी ने तांडव मचाते हुए कई गांवों को तबाह कर दिया। ऐसे में बाढ़ पीड़ित रक्षाबंधन पर्व मनाने में सक्षम नहीं थे। समाज सेवी सुनील चौहान ठेकेदार ने कहा कि एक दिन पूर्व राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने जन्मदिन ना मनाते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर उनकी मदद करें। इसी बात से प्रेरित होकर उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांव नेकसाई में बाढ़ पीड़ितों और बाल्मीक मुस्लिम समाज के साथ रक्षाबंधन मनाया और बेटियों से राखी बंधवाकर उनके पैर छुए, शगुन में उपहार भी दिए। बाढ़ पीड़ितों को स्वल्पाहार वितरित किए। बाल्मीक परिवार के सदस्य विभागों को कर बोली के दलित परिवार के साथ सुनील भाई ने बिना किसी भेदभाव के त्यौहार मनाया। हमारी मदद की, इससे बढ़कर खुशी क्या होगी। इसके बाद समस्या भी सुनील ठेकेदार ने मरियन के बाढ़ पीड़ितों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया, जहां पर कोविड-19 के चलते जान गंवा चुके बंटी चौहान की तीन बेटियों से राखी बंधवाते समय सभी लोग भावुक हो गए। स्वर्गीय बंटी चौहान का मकान भी बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया। बाढ़ पीड़ितों ने समाज सेवी से कहा कि आप लोगों ने संकट की घड़ी में रक्षाबंधन के पर्व के दिन हमारे अपने घर न मनाते हुए हम लोगों के साथ मनाया, इससे हमें खुशी हुई। इस अवसर पर समाज सेवी सुनील ठेकेदार, सरपंच बलवीर सिंह, बंटी संतोष त्यागी, ब्रजराज सिंह सचिव और कई समाज सेवी उपस्थित थे। हमारे गांव नेपसाई में बाढ़ आई थी, तो इसलिए कोई त्यौहार नहीं मनाया जा रहा था। इसलिए आज सुनील ठेकेदार आए थे, उन्होंने अपने हाथ में राखी बंधवाई, तो अब सभी लोगों ने और उपहार भी दिया, इसलिए आज बहुत अच्छा लग रहा है। मंत्री ओपीएस भदौरिया जी का कल जन्मदिन था, तो उन्होंने ये कहा था मेरे साथ न मनाते हुए, मतलब गांव में जाएं, जो बाढ़ पीड़ित परिवार हैं उनके साथ मनाएं। मतलब सावन का त्यौहार, मैं निपसाई पंचायत में आया हूँ, बाल्मीक परिवार के साथ बगैर भेदभाव के इनके साथ मैं रक्षाबंधन त्यौहार मना रहा हूँ। क्या ऐसा लगता है कि आज भी भेदभाव कहीं देखा? नहीं साहब, बिल्कुल भेदभाव नहीं देखा। बाल्मीक पक्ष में वो हमेशा से रहे और आज भी हम लोगों के बीच में घर पर त्यौहार छोड़ कर कौन सुनील ठेकेदार तथा अन्य अधिकारीगण हमारे घर पर है और हम लोग गरीबों की सहायता करने के लिए आए, इसके लिए हम जीवन भर आभारी रहेंगे। क्या नाम है? सुदामा कोटवार।